दर्शन विक्रम मेरा सवाल। किसी राज्य में कोई गिरधारी लोहार रहा करता था। वह लोहार का काम काफी अच्छी तरीके से किया करता था। नगर के किसी को भी कोई शिकायत नहीं होती थी। कुछ महीनों से कोई भुवन नाम का आदमी दूसरे नगर से गिरधारी से काम करवाने आता था। इस तरह से भुवन की गिरधारी से अच्छी खासी पहचान हो गई। भुवन के नगर के परिचित लोग कहते, अगर तुम ये लोहार की दुकान अपने नगर में खोल लो तो हम तुम्हारे यहाँ से ही काम करवाने लगेंगे। भुवन से यह बात उसके मित्र भी कहा करते थे। रात भर सोचने के बाद भुवन ने मन बना लिया कि वह नगर में लोहार की दुकान खोलेगा। अगले दिन भुवन उस गिरधारी से कहता है, तुम मुझे यह काम सिखा दो, मैं यह काम अपने नगर में करूंगा। गिरधारी कुछ मन ही मन सोचता है और भुवन को कुछ समझाना चाहता था, लेकिन वह कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें काम सिखा दूंगा और इस दुकान में क्या क्या औजार लगते हैं वह सब भी बता दूंगा। एक माह में भुवन गिरधारी से काम भी सीख लेता है और धन खर्च करके लोहार के औजार खरीद कर दुकान खोल लेता है। 2 माह बाद भुवन उदास होकर गिरधारी से मिलने आता है। तुम उदास क्यों हो? मैंने जब से यह काम शुरू किया है तब से नगर के बहुत ही कम लोग मेरे यहाँ से काम करवाते हैं। जो लोग मुझसे कहते थे कि काम मेरे यहाँ से ही करवाएंगे वे अब तो नजर ही नहीं आते। गिरधारी कहता है, मुझे कोई अचंभा नहीं हुआ। तब बता विक्रम, गिरधारी ने ऐसा क्यों कहा? तो सुन बेताल, गिरधारी को अचंभा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो कुछ भी भुवन के साथ आज घटित हो रहा है वह कुछ वर्षों पहले गिरधारी के साथ भी घटित हुआ था। गिरधारी भुवन को वही समझाना चाहता था लेकिन भुवन नहीं समझता क्योंकि गिरधारी ने भी अपने समय में किसी की बात नहीं सुनी थी और उसे भी यही दिन देखना पड़ा था जो भुवन देख रहा है। भुवन ने लोहार का काम शुरू कर लिया था, अब वह तरक्की करने लगा था। भुवन के मित्र और परिचित लोग उसे बढ़ावा नहीं देना चाहते थे जिस कारण कोई मित्र उसके यहाँ काम नहीं करवाता था, इसलिए गिरधारी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। सही जवाब विक्रम, लेकिन तू बोला मैं चला।